Assalamu alaikum, class 7. This is lecture 49. And in today's work, you are going to do again your FOG work. We have finished our past perfect continuous tense. All cases till now. Abhi tak humne apne tamam cases ko finish kar liya hai. And today is the turn of summarize our tense. आज टर्न है कि हम अपने टेंस को क्या करें, समराइज कर दें. और उसके लिए जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है वो क्या है, लास्ट हमारी एक्सरसाइज है कि हमने सबसे पहले ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को और देन हमने उसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव केस में चेंज करना है. सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, द पोस्टमैन हैड बीन डिलीवरिंग लेटर्स सिंस ट्यूसडे. लेटर डिलीवर करना, तकसीम करना. आपने उर्दू सेंटेंसेस खुद ही से राइट करने हैं. फर्स्ट वाला मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए आपने कैसे करना है. पोस्टमैन डाकिया, डाकिया मंगल से खत तकसीम कर रहा था. नंबर टू देखिए, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग हाइड एंड सीक फॉर 2 आवर्स. हाइड एंड सीक छुपन छुपाई होती है. नंबर थ्री है, वुड कटर हैड बीन सेलिंग वुड फॉर 5 इयर्स. वुड कटर लकड़हारा. नंबर फोर, माय ब्रदर हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स सिंस यस्टरडे. प्रिपेयरिंग तैयारी करना. आई हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस 1985. Taking exercise, वर्जिश करना. The goats had been grazing in the field since morning. Grazing चरना. बड़ा spelling में difference minor सा आ जाता है gazing और grazing में. और मैं last work में भी देख रही थी students के कि उन्होंने grazing और gazing में कोई difference नहीं किया हुआ था. तो ग्रेजिंग चरना होता है और गेजिंग घूरना होता है. तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. स्पेलिंग डिफरेंस होने से सेंटेंस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. द बॉय हैड बीन इंसिस्टिंग ऑन बाइंग अ न्यू टॉय फॉर 2 आवर्स. इंसिस्टिंग होता है इसरार करना यानी जिद करना. वी हैड बीन कंसिडरिंग दिस एप्लीकेशन फॉर अ वीक. कंसिडर वोर करना. फिशरमैन हैड बीन कैचिंग फिश. फिशरमैन माहीगीर मछलियां पकड़ने वाले मछेरे या माहीगीर. आई हैड बीन वर्किंग इन दैट ऑफिस सिंस मे. वर्किंग काम करना. डिफिकल्ट वोकैबुलरी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है. अब आपने नीट राइटिंग में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट मार्क करनी है. देन आपने अपने काम को पेंसिल से राइट करना है सो दैट जब हम काम टैली करें आप मिस्टेक देखकर अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकें.